नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, 8 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, और ये क्रिमिनल अपील नंबर 2344 ऑफ 2023 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 3152 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स है। तो दोस्तों, ये जो केस फाइल किया गया था, जो जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की गई है, वो क्वेशिंग से संबंधित है। और यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने क्वेशिंग पिटीशन फाइल की थी, वहाँ रिलीफ नहीं मिला था, तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो क्या क्या लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फॉलो किया, और किस तरीके से इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं उसको कैसे इंटरप्रिटेशन किया, आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ बताया है कि जो अपील है वो फाइल की गई थी, वो इसमें जो अक्यूज बनाया गया था उनको, चार्जेस थे 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और एक इन कनेक्शन विद दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सो एंड सो 2022 की थी, जो सो एंड सो डेट को थी, और ये स्टेट ऑफ यूपी की थी। और यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ अलाहाबाद ने एक जो क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन थी जो अपीलेंट ने पहले फाइल की थी क्वेशिंग के लिए एफआईआर को, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो एफआईआर जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने जो है वो फाइल की थी, उसके कंटेंट्स में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में। और यहाँ पर बताया कि जो प्लेन रीडिंग एफआईआर से पता चलता है कि जो विक्टिम जो है, जिन्होंने कंप्लेंट, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैं, जो उन्होंने एक एफआईआर जो है पहले से एक लॉन्च की थी, और जो कि अंडर सेक्शन 376(d)(323) जो कि सिंपल हर्ट से रिलेटेड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी 354 आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन 452 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर डाली थी, और सेक्शन 708 जी पॉस्को एक्ट के अंदर डाली गई थी अगेंस्ट जो फादर इन लॉ है ऑफ द अपीलेंट हेयरिंग, जहां पर जो अपीलेंट है उनके जो फादर इन लॉ है उनके अगेंस्ट में डाली गई थी। और तो यहाँ पर अलेज्ड ये किया गया कि जब इन्वेस्टिगेशन, जब जो पहले जो एफआईआर डाली हुई थी उस पे जो बताया गया, तो अक्यूज्ड पर्सन के नाम सो एंड सो थे, वो उन्होंने थ्रेटन किया था विक्टिम को कि उन्होंने बताया कि वो एसोसिएट्स हैं, मींस उनके फादर लॉ के, अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे एफआईआर को तो ये उनके और फैमिली मेंबर्स को मार दिया जाएगा। और फिर अपीलेंट ने वहाँ पे हाई कोर्ट में गए थे एक क्रिमिनल रिट पिटीशन डालने के लिए, रिट पिटीशन डाली थी उन्होंने और प्रेयर की मांगी थी कि क्वैश कर दिया जाए एफआईआर को, लेकिन हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था एफआईआर को। तो अब वो जो ऑर्डर था वो उसका यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया है, और पूरे ऑर्डर के कंटेंट्स में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर अपील फाइल की गई उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, सबमिशंस दिए दोनों पार्टीज ने अपने अपने, और रिटर्न सबमिशंस फाइल किए थे यहाँ पे, और स्टेट ने भी अपने जो है रिटर्न सबमिशंस फाइल किए थे। और फिर इसके बाद स्टेट ने अपोज किया था कि चूंकि 161 में रिकॉर्ड हो चुकी है, चार्जशीट पेंडिंग पड़ी हुई है और स्टे लगाया हुआ है, तो ये सारे जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपोज के अपोज किया था ये पिटीशन को, उसके लिए फाइल किए थे। अब माननीय कोर्ट ने अपना एनालिसिस कर दिया, उसके ऊपर हम चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एफआईआर है उसे क्वैश कर देनी चाहिए, जो कि अपीलेंट्स ने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर नोट ये किया कि अपीलेंट्स जो यहाँ पर हैं उनका नाम एफआईआर पे नहीं डाला हुआ था एज एन अक्यूज्ड पर्सन, तो कोई भी एलिगेशन नहीं थी कि जो इंटायर एफआईआर के अगेंस्ट अपीलेंट हेयरिंग। तो जो फर्दर स्टेटमेंट जब ली गई थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेंट के द्वारा 161 सीआरपीसी में ली गई थी, तो और इन द सेट स्टेटमेंट तब उसमें अपीलेंट ऑफ द नेम ऑफ द अपीलेंट देयर इन सरफेस्ड। फिर फर्स्ट इंफॉर्मेंट ने फिर फर्दर स्टेटमेंट दी थी 12 अगस्त 2022 को, तब उन्होंने अपनी ये जो है वो बताया था कि वो जा रही थी तो एक वाकया था, वो पूरा नरेशन किया, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाते हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट ने अपना ये बताया कि माननीय कोर्ट ने कि जो फर्दर स्टेटमेंट जो थी उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये सेक्शंस है वो इंसर्ट कर दिए, सेक्शन 147, 148, 149, 195A, 385,
एंड 504 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो 195 का यहाँ पर मानन कोर्ट ने आगे जो है विश्लेषण किया है, एक एनालिसिस किया, उसके ऊपर हम चलेंगे अभी। और यहाँ पर फिर बताया कि पुलिस के जो पुलिस स्टेट को स्टेटमेंट दी गई थी, तो आई विटनेस द्वारा जो उनका नाम सुवंशो था, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो पूरा यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है यहाँ पर पुलिस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने जो स्टेटमेंट दी थी वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी थी, जो कि नरेट किया गया था एफआईआर में, जो बताया गया उससे टोटली डिफरेंट स्टोरी थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम एक्सटेंट पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि जो नेम था अपीलेंट का उसमें फिगर आउट फिगर नहीं होता है एफआईआर के अंदर, और उसका उनका जो नाम है डिस्क्लोज तभी किया गया जब जो डिस्क्लोज ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक फर्दर स्टेटमेंट थी विक्टिम की रिकॉर्ड की गई थी। तो यहाँ पे ये ग्राउंड बनता है क्वैश ऑफ एफआईआर का। लेकिन अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस भी इमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ केस, तो वो भी बताए जा रहे हैं कि वो फॉल्स इम्प्लीकेशंस का ही इंडिकेट कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज की अपीलेंट जो है वो एक सन इन लॉ है, एक हार्ड एंड क्रिमिनल जो बाय नेम सुएंसो, तो उनका उनको भी रोप कर दिया, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया है फाइव फर्दर स्टेटमेंट के द्वारा। तो ये एक नोट किया, फर्दर इनटू नोट कि विक्टिम जो है एफआईआर में कहीं भी रिमोटली रेफर नहीं किया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ जो विटनेस थे सो एंड। तो यहाँ पर हाईलाइट किए गए, ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम हाईलाइट करते हैं टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ केस जो इंटायर केस जो है वो फैब्रिकेटेड है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो इन्होंने बताया कि 195 ए आईपीसी का वो बता सेक्शन बताता है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, ये सेक्शन 195 ए बताता है, उसका सारे सेक्शन को रिप्रोड्यूस किया है। तो प्लेन रीडिंग ये बताता है सेक्शन की कोई भी इंडिविजुअल को थ्रेटन किया जाए यानी जूरी विद एनी इंजरी के साथ टू हिज पर्सन या उसकी उनकी रेपुटेशन या प्रॉपर्टी के साथ, तो ऐसी थ्रेट्स को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है विद इंटेंट टू कॉज पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। तो अगर किसी पर्सन को प्रेरित किया जाता है कि इंजरी क्लियर कर दी जाएगी तो उसको ताकि वो एक झूठी गवाही दे सके, तभी जो सेक्शन है 195A जो है इन्वोक होता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं कंस्टिट्यूट होता है कि सेक्शन 195A जो है वो बनता हो। प्लेन रीडिंग ऑफ एफआईआर से ये पता चलता है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी सो कॉल्ड आई विटनेस, जो इंक्लूडिंग जो आई विटनेस की भी जो स्टेटमेंट को देखते ने भी जो स्टेटमेंट दी थी, तो एलिगेशन ये थी कि अक्यूज पर्सन ने थ्रेटन किया था और प्रेशराइज किया था फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को कि वो विड्रॉ करे एफआईआर को उस नंबर सो एंड सो, जो पनिशेबल थी अंडर जो पहले डाल रखी थी एफआईआर 376 डी 323 120 354 1452 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो लेकिन कहीं भी ऐसा इंडिकेट नहीं करता है कि अक्यूज पर्सन ने थ्रेटन किया फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है वो फॉल्स एविडेंस दे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन जो क्लियरली ये बताता है कि द फॉल्स एविडेंस मींस द फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और ऑन सच फॉल्स एविडेंस इफ पर्सन अगर कोई कन्विक्टेड होते हैं सेंटेंस होते हैं तो फिर ये पर्सन फाउंड टू बी एडमिनिस्ट्रिंग थ्रिट्स वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड, वो सेम वो उन जो पर्सन हैं वो भी पनिश्ड होंगे जो सेम पनिशमेंट जो सेंटेंस अवार्ड की जाती है इन सेम मैनर की और सेम एक्सटेंट पे जब इनोसेंट पर्सन को दी जाती है। तो अगर उन किसी की झूठी गवाही से किसी को सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति को भी वैसे ही सजा मिलती है जैसा ही 195A जो सेक्शन है वो बताता है। तो फॉल्स का सेक्शन जो मतलब जो बताया गया है उसे कोर्ट ने कहा कि इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 191 है उसके कॉन्टेक्स्ट में रीड करना चाहिए, जो कि चैप्टर 11 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर बता रखा है, जो कि फॉल्स एविडेंस ऑफ एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस है। लेकिन कोई भी ऐसा जो इंग्रेडिएंट है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता कि इस सेक्शन 195A डिस्क्लोज होता हो। और 195 जो जो है वो भी पूरा जो बताया, और साथ में ये भी बताया कि जो विटनेस जो है और जो पर्सन जिन जो कंप्लेन करना चाहते हैं वो जो है वो जो कोर्ट में उनको देनी होगी कंप्लेंट। तो ये 195 जो ए है और सीआरपीसी जो प्रोवाइड करता है रेमेडी टू ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट, तो और द कंप्लेंट जो है वो 2D ऑफ द सीआरपीसी के अंदर बता रखी है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है वो बता उसका नरेशन किया माननीय कोर्ट ने। और यहाँ पर ये फैक्ट निकल गया है कि 195 जो है वो एक कॉजनेबल ऑफेंस है और पुलिस जो है
हैव को पास पावर है कि इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन अब कोर्ट ने कहा हम इस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे कि 195 का जो सीआरपीसी का जो बार है वो अप्लाई करेगा 195 इंडियन पिनल कोड में कि नहीं, क्योंकि 195 सीआरपीसी में कहते हैं कि अगर जिस कोर्ट में अनफेंस हुआ तो दूसरे कोर्ट की पावर नहीं होती है, ये सीआरपीसी में डिफाइंड किया हुआ है। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट है वो बन नहीं रहा है 195 का कि डिस्क्लोज टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। तो इसलिए अब फिर 386 के बारे में जो है वो इंग्रेडिएंट क्या कहता है वो बताया, जो कि कहता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन द फियर ऑफ डेथ और द ग्रीवियस हर्ट। और फिर सेक्शन जो 383 है वो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन के ऊपर बताया है, जिसमें बताया गया कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को दे दिया जाए या फिर ओवर पावर्ड करके जो दे दी जाए या इंड्यूस किया जाए। तो ये सेक्शन 383 के जो प्रोविजन है उसने बताया है यहाँ पे कि ओवर पावर्ड द विल ऑफ द विक्टिम क्या है वो ओवर पावर्ड हो जाए बाय पुटिंग देम इन द फियर और इंजरी। तो फोर्सिबली टेकिंग एनी प्रॉपर्टी जो होगी वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगी। और इलस्ट्रेशन 3 जो है इंडियन पिनल कोड के जो परफेक्टली क्लियर है, और फिर साथ में जो जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया, और भजन लाल की जजमेंट थी उस पर भी कोर्ट ने पूरा जो है जो लीगल पॉइंट्स है उस पर देखा। और फिर साथ में बताया कि 482 के अंदर पावर होती है कोर्ट्स की कि वो उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होती है, और इवन आर्टिकल 226 के अंदर भी होती है कि वो क्वैश कर सकती हैं अगर कोई जो प्रोसीडिंग्स है वो मैंने फ्रिवलेस है और वैक्सीटियस जो अल्टीरियर मोटिव के साथ फाइल की गई हो या फिर वेंजेंस या दुश्मनी निकालने के लिए की गई हो। तो ये प्रोविजंस थे जो है कोर्ट को देखने चाहिए थे, और सारे यहाँ पर ओवरऑल मैटर को देखने के बाद कोर्ट ने ये कंक्लूजन पे आए कि जो FIR है उसको क्वैश कर देना चाहिए। और यहाँ पर अगर स्टेट बिलीव करती है कि फादर इन लॉ जो है अपीलेंट के सो एंड सो जो एक हार्डेड क्रिमिनल है, तो इनके जो सन इन लॉ है जो है उनको प्रेजेंट अपीलेंट जिनको इम्प्लीकेट कर दिया फर्दर इन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए क्रिमिनल, तो ऐसा जो है कोर्ट ने जो अपनी जो जो अपनी एनालिसिस किया इसमें कि स्टेट बिलीव करती है कि फादर इन लॉ क्रिमिनल है तो सन इन लॉ भी क्रिमिनल होंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये अपील सक्सीड होती है और अलाउ की जाती है। हाईकोर्ट का जो जजमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, और तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।